मैं आज उस घराने चो एक शख्सियत का जिक्र करन लगा, उस शख्सियत जड़ी राहत कलबे मुस्तफा सारी कायनात दा सुकून ते चैन मेरा नबी ते मेरे नबी दा सुकून ते चैन सैयदा ज़हरा पाक। मैं आज अपने ते तेरे नबी दे दिल दे सुकून दा जिक्र करन लगा। तुसी औलाद नूं वेख के कहंदे हो ना कि औलाद नूं वेख के कलेजा ठर जांदा है, अखियां ठंडियां हो जांदियां ने। तुसी काम तो आउंदे हो ते शाम नूं बच्चा गोद च बैठे ते तुसी कहंदे हो बच्चा गोद च बवे ते सारे दिन दी थकावट उतर गई है ना। यानी तेरा बच्चा तेरे दिल दा सुकून है, तेरे बदन दा सुकून है। मैं उहदा जिक्र करन लगा जिहड़ी मेरे नबी दा सुकून है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸਕੂਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਰੇ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਸੈਯਦ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਮੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਕਲਬੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂਰ ਦੀਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੌਨੈਨ ਮਖਦੂਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਮਖਦੂਮਾ ਉਮਤ। मेरा दिल करता मैं वह तारुफ करवाव जिहड़ा हजरत अलामा इकबाल ने सैयद अज़हरा पाक का तारुफ करवाया। पढ़ा जाखो सुभान अल्लाह। अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने नूर चश्मे नूर चश्मे रहमतुल्लिल आलमीन। गौर करो लफ्जा दे फरमांदे ने नूर चश्मे रहमतुल आलमी। नूर चश्मे रहमतुल आलमी। आलमीन दिया अखां दा नूर तारफ वेखो। आप फरमा देने के मरियम अलैह सलाम दा एक तारफ है के ओ ईसा दी मां ईसा दी ये हजरत मरियम का तारुफ है। वह भी खैरुन निसा है, वह भी औरतों की सरदार है। मगर फजीलत चकी है कि ईसा की माँ है। पर जब आई ना सैयदा ज़हरा की वारी तो अलामा इकबाल फरमाते हैं सुन पहला तारुफ की है नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। अलामा इकबाल फरमाते हैं नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी। आईमा में अव्वलीनो आखरीन। दूसरा तारफ किए परमादे ने आपानुए ताजदारे हल अता। बानुए ताजदारे हल अता। यानी मुश्किल कुशा शेरे खुदा मुश्किल कुशा। फरमाते ने दूसरा तारफ वे नबी पाक दी नबी पाक दे बेटी ओदा तारफ वे। पहली ते के नबी पाक दी बेटी है नूर चश्मे रहमतुल आलमीन। दूसरा तारफ वे के मौला अली दी ज़ौजा मोहतरमा ने ओ जेड़ा हल अता भी है मुश्किल कुशा भी है हैदर करार भी है। तीसरा तारफ की है फरमाते ने मादरे आ मादरे आ
ਪਰਖ ਦੇ ਪੁਰਕਾਰ ਈ ਮਾਦਰਿਆ ਮਰਖ ਦੇ ਪੁਰਕਾਰ ਈ ਔਰ ਮਾਦਰੇ ਆ ਮਾਦਰੇ ਆ ਕਾਫਿਲਾ ਸਾਲਾਰ ਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਆਲਾ ਮਰੀਅਮ ਖੈਰੁਨ ਨਿਸਾਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ मरियम ईसा अलैहि सलाम दी मां ने सलामुल्लाह तआला अलैहा व सलामुल्लाह तआला अलैह यानी कि हजरत मरियम बतूल अलैहा सलाम दा तारुफ है वेखो ईसा अलैहि सलाम दी अम्मी जान ने बहुत बड़ा तारुफ है मगर अलामा इकबाल फरमांदे ने वाह सैयदा तुहाडी अजमत तो सदके जावां नबी पाक दी अखां दी ठंडक को एक तारुफ ते फरमांदे ने कि मौला अली दी ज़ौजा दूसरा तारुफ ते तीसरा तारुफ उहदी मां ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਾਦਰੇ ਆ ਮਰਕਜ਼ੇ ਪੁਰਕਾਰ ਇਸ਼ਕ ਐ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਰਿਆਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਕਾਰ ਉਸ ਪੁਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੈਨਸਲ ਬੰਦ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੇ ਪੁਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਓ ਉਹ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮਾਦਰੇ ਆ ਮਰਕਜ਼ੇ ਪੁਰਕਾਰ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਰਕਾਰ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਹੈ ਮਾਦਰਿਆ ਮਰਕਜ਼ੇ ਪੁਰਕਾਰ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਕ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮਾਦਰੇ ਆ ਕਾਫਿਲਾ ਸਾਲਾਰ ਇਸ਼ਕ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਸਾਲਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਹੈ क्या तारुफ कराया अलामा इकबाल ने हुण मेरा दिल करदा ए ते फारसी है हुण मैं तुहानू पंजाबी च इहदा तर्जमा ना सुनावा चलो तुसी नहीं बोले अगले साल सही इंशाल्लाह फिर सुना देवा ऊंचा बोलो मोती अली सरकार ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह दिले मुस्तफा द चैन ते करार फातिमा मौला अली दे घर दाओ सिंधार फातिमा और बेटे शहीद पाप नबी बेटे शहीद पाप नबी मेरी आप तैयबा वो जन्नत की हुक्मरान पे सालार फातिमा वो जन्नत की हुक्मरान सालार फातिमा और तारफ सुनो सैयदा लाल के बिन त्याए रसूल पारसा तहरात तैयबा के बिन त्याए
कोल मार सा तहरात तैयबा शर्मो हयात मुल्क दी सालार फातिमा शर्मो हयात मुल्क दी सालार फातिमा और जहरा जदो पियाया खड़े हो गए हुजूर ए जहरा जदो पियाया खड़े हो गए हुजूर इनु कमा तजीम या के प्यार फातिमा इनु कमा तजीम या के प्यार फातिमा इनु कमा तजीम या के प्यार फातिमा और बलिया दी बोसा गाए तो खटपुतूल दी ए बलिया दी बोसा गाए तो खटपुतूल दी नबिया दे ताजदार दी खमखार फातिमा और सरदार जो भी मंगे नहीं तरे फातिमा तो मंगे ए सरदार जो भी मंगे नहीं तरे फातिमा तो मंगे के मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा ए ओ नबी दी बेटी दारा है मेरे तुआड़े सियालकोट दा कलंदर लाहौर दा दरवेश सफरे पाकिस्तान हजरत अलामा इकबाल ने फरमाया नबी दी बेटी दारा के शरीयत मना ना कर दी लोकी काबे दा तवाफ करन जांदे ने मैं तेरी कब्र दा तवाफ करन जाना आइया जदो भी जहरा खड़े हो गए हजूर मैनु सची दसो जिथे कमली वाला ही उठ के खलोजे पिछे गल केड़ी रह जाती है तुहानू सुनावा सैयदा जहरा पाक दा बचपन फिर जवानी आज दी इस महफिल दे तवस्सुल अपने घर च बेटिया वास्ते मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दी बेटी दा तोहफा लै जाओ सची दसो छबीलपुर वालियो ते आटे वालियो जेडे जहरा नु पालन वाली मां खदीजा होवे ते तरबियत करन वाले अबू मुहम्मद होवन ओदी कैसी तरबियत होई होवेगी मैनू भाई नदीम कह रहे सन कि औरतों के पर्दे के मुतलक भी गल जरूर करे जे क्यों ना करिए जिक्र ही ऐसा है ओदे विचू ही सारे सबक मिलने मुहल्ले दे अंदर एक शादी आ गई कुरैश दे खानदान च ते औरतां कट्ठियां होके अम्मा खदीजा को लाइया ते कह लगियां शुरू साडी बेटी दी शादी है ते अपनी बेटी नूं लेके आया जे तुहानूं याद है कि शादी दा कार्ड आ जाए ना ते वड्डियां नूं चाह थोड़े हुंदे ने ते बच्चियां नूं चाह ज्यादा हुंदे ने शादी का दिन आया तो सैयदा ज़हरा पाक अपनी अम्मी जान की गोद च बैठ गई तो अर्ज की अम्मी जान असा शादी ते नहीं जाना अम्मा खदीजा ने फरमा बेटी असा नहीं जाना अम्मी क्यों नहीं जाना हुन जवाब सुनो ए ओ खदीजा तुल कुबरा जिन्हों कहते मलीका तुल अरब कहते सन अरब दी मलका क्योंकि दौलत इतनी सी कि
अरब के सारे अमीर की दौलत एक पलड़ च रखो तो अम्मा खदीजा की कली की दौलत एक पलड़ च रखो तो आपकी कली की दौलत सब तो ज्यादा सी। मलीकतुल अरब परसों दसवां रोजा गुजरिया ना दस रोजा जरा ना दसवां रमजान मुबारक सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा दा यौमे विसाल सी। तवज्जो मेरे वल रखो, कोई नहीं लाइट बंद हो गई, कोई मसला नहीं, सुकून नाल बैठो। तकरीर दे जिहड़े लम्हात चंद है ने मैं तुहानू कुछ सुनाना चाहना, सुन के जाओ बस। अज तक कायनात सैयदा जहरा दी अजमत नूं नहीं समझ सकी, ते मैनूं दस ओ जिहड़ी जहरा दी भी मां होवे, यानी वजूद कितना मुतहर होवेगा जिन्हों रब्बे कायनात ने सैयदा जहरा दी मां बनने दा शर्फ हासिल कीता कराया होवेगा, वो कैसी मां होवेगी। मलीकतुल अरब सारे अरब दी मलका, पर जिस दिन होई ना मेरे ते तेरे नबी नाल शादी, ते शादी दी पहली रात अम्मा खदीजा ने अपनी सारी दौलत इकट्ठी करके ना ते तेरे ते मेरे नबी दे कदमां च रख दित्ती। ते ओ दौलत को थोड़ी नहीं सी, पता कितनी सी। सीरत निगार फरमाते ने कि सोने का इतना ऊंचा ढेर सी कि उस सोने के ढेर के एक तरफ नबी करीम बैठे सन, एक तरफ अम्मा खदीजा। फरमादियां मेरे ते नबी के दरम्यान इतना ऊंचा सोने का ढेर सी कि मैनूं हजूर नजर भी नहीं आ रहे, इतना सोना। अद्धी रात वेले शादी की पहली रात, अद्धी रात वेले अम्मा खदीजा ने सोने का ढेर मेरे नबी के कदमों च रखिया। अज दी औरत सारी जिंदगी अपने शोहर की कमाई का के आखिर ते भी कहती है जदू दी तेरे घर आई ना अगे की कहती है तुहानू पता ही है, क्योंकि सारे नाल बीतदी है, हड बीती भी है ते जग बीती भी है ना। सारी जिंदगी अपने शोहर की कमाई खा के आखिर ते औरत कहती है जदू दी तेरे घर आईया वेख्या कुछ नहीं, खादा कुछ नहीं। सारिया औरत नहीं कर दया जड़िया खानदानी होवन वह नहीं कर दया, जिन्हां दी तरबियत किसी माँ बाप चंगिया ने की हो नहीं कर दया। पर उस औरत का किरदार वेखती रात वेले दौलत नबी दे कदमां च रख दी, हाथ जोड़ के अर्ज कर दया ने सब कुछ यार वाले तेरे आए जिंदड़ी जावन भी तेरी मेरा ते हुन मालिक तो यो हो रे औकात नहीं मेरी। अधी रात वेले अम्मा खदीजा ने दौलत मेरे नबी दे कदमां च रखी, वाह कमली वालिया मैं तेरी अमीरियां तू सदके जावा। मेरे नबी ने सवेर दा सूरज तलू नहीं आन दिता, सारी दौलत मक्के दे गरीबां च वंड दिती। अम्मा खदीजा ने भी नहीं आख्या वे सोने आ मैं ते कमांदिया जिंदगी लगाई है, तू पढ़दिया रात भी नहीं लगाई। नौजवानों अज घर च फकीरी आ गई, बेटी मां दी गोदी च बह के पुछदी अम्मा जान असा शादी ते नहीं जानो। अम्मा खदीजा ने फरमाया बेटी ऐसा नहीं जानो, अभी क्यों नहीं जानो। अम्मा खदीजा ने फरमाया बेटी जारा इन्हें शरीका दे घर जाना है, तेरे बाबा दा कलमा भी नहीं पढ़ते। असा जाना है उन्होंने आखना है फातिमा और खदीजा की बेटी आई है, उन्हें चंगा सूट भी नहीं पहनया, जेवर भी नहीं पहने। आओ बेटी ऐसा नहीं जाना, उन्हें शरीका दिया औरतों ने मेरे वारने ने। उस वेले बेटी ने मां दे गले च बावां पा लिया, फरमान लगी अम्मी जान आओ शादी ते चलने, असा दुनिया का जेवर की करना है। अबू ते फरमा दे ने मोमिन दी बेटी दा हया योदा जेवर होंदा है। अल्लाह है, 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 अल्लाह है। उस बेटी की क्या तरबियत होगी जड़ी मां दे गले च बावां कह पा कह रही है अम्मी मोमी दी बेटी दा हया उहदा जेवर होंदा है। हाय हाय हाय, क्या तरबियत मां ते बाप ने की थी। अज कुछ बेटियां ऐसिया जड़िया इस्लामाबाद जाके औरत डे मना रही ते कह दिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पर इन्हां बच्चियां वास्ते उस खातून ने जन्नत का किरदार वे
जिदे पैर दी तली कदे जमीन नहीं वेखी ते सिर दा बाल कदे आसमान नहीं वेखिया। ओ परदे दी वारसा, क्या तरबियत बाबा जी हुई होगी उस बेटी दी कि कदे नबी पाक ने सहाबा च बैठ के सवाल किया ते मेरे नबी ने फरमाया सहाबा दसो औरत ली सारे तो चंगी गल केड़ी है, किसे कोई जवाब दिता। मेरे नबी मुतमिन नहीं हो रहे, मौला अली दौड़ के घर गए थे, जाके सैयद ज़हरा नु फरमा लगे ज़हरा अज तुहाडे बाबा जान ने सवाल पूछा किसे नु जवाब नहीं आ रहा, तो सवाल की है? आख्या सवाल ये कि नबी पाक ने फरमाया औरत ली सारे तो चंगी गल केड़ी है। सैयद ज़हरा पाक ने सुन के परचस्ता जवाब दिता, सोचा भी नहीं, कह लगी मौला अली औरत लई होर केड़ी चंगी गल है, औरत लई सब तो अच्छी बात है वे कि उन्हों गैर महरम मर्द ना वेखे ते ओ गैर महरम मर्द नू ना वेखे। जवाब सुन के मौला अली माफले च आ गए, हाथ खड़ा करके अर्ज की या रसूल अल्लाह जवाब मैं देवा। नबी पाक ने फरमाया जी अली, उठ के अर्ज की या रसूल अल्लाह औरत लई सारे तो चंगी गल है वे ओ गैर महरम मर्द नू ना वेखे ते गैर महरम मर्द उन्हों ना वेखे। नबी पाक ने मुस्कुरा के फरमाया अली जवाब तो तेरा ठीक है पर लफजा चू फातिमा की खुशबू पी आती है। जी तरबियत मुस्तफा ने की हो वे। मेरे नबी ने अपनी तरबियत मान सी ना कि इंज का जवाब बस मुहम्मद ही थी ज़हरा दे सकती है। आसी तरबियत मेरी मिल्लत के नौजवानों इंज घर बच्चियों की तरबियत करो, अगर परदे के मामले सख्ती भी करनी पवे सख्ती कर दियो परदे ते कंप्रोमाइज ना करे। आजे मैंने जब बयान करया करना मैं जब कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है, जब कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है फातिमा जहरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है, फातिमा जहरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। ऐ मुसलमान की बेटी ना ते डाइजेस्ट पढ़ के ते ओ जड़ी कहानी दे अंदर लड़की नु बयान किया गया ना ते ओ किरदार तेरे वास्ते तेरी जिंदगी दा नस्बो लैन है, ना टीवी दी ड्रामे दी मॉडल ते अदाकारा तेरा मॉडल है। आज बेटी ने ईद ते कहना अबू जी मैं कपड़े उंज दे सिलवाने ने जिवें टिकटॉकर दी फलां मॉडल ने सिलवाए, मैं जुत्ती उंज दी लैनी है जिवें ओ फलानी अदाकारा ने पहनी। ऐ मोमिन दी बेटी तू ये ते वेखनी है अदाकारा ने जुत्ती किंज दी पाई ते मॉडल ने कपड़े किंज दे पाए, कदी ए भी वेखा ही मुहम्मद दी बेटी दी रात किवें गुजरदी सी? हां तू कदे जिंदगी च उंज दी रात एक गुजार कि इमाम हसन फरमाते ने मैं अपने बचपन च वेखिया कि इशा की नमाज पढ़ के मेरी अम्मी ज़हरा सजदे च सर रख दी ते फजरी वेले दी अजान हो जाती ते सिर उठा के कहती है रात एड्डी छोटी जी बनाई जे फातिमा का सजदा ही पूरा नहीं होया। ते एक दिन आके मदीने दियां औरतां कह लगियां ज़हरा पाक एड्डी लंबी रात एक सजदे च किवें गुजार लेंदी हो? ते फरमादियां रात लंबी कदों है, अजे ते मैं इक्को वारी सुबहान रब्बी अल आला कहिया ते रात मुक गई। मेरा दिल करदा कदे अजल तो लैके अबद तक एक रात बन जाए मैं सारी रात इको सजदे च गुजार जाऊं। आई तरबियत आई बेटी दा किरदार, अज दी बेटी कल दी मां है, अज दी बेटी दुरुस्त हो गई कल दी मां दुरुस्त है, कल दी मां दुरुस्त हो गई ते परसों दा बेटा ते मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। तो बीज ऐसा बोवो ना, अंग्रेज अज चाहता है कि वह औरत ही मार दियो, वह बच्ची मार दियो, उस औरत का किरदार ही खत्म कर दियो जिदे विचो वली पैदा हो गए, वह नस्ल ही खराब कर दे, वह औरत ही ना रवे जड़ी वली पैदा कर दी। भाई जड़ी टिकटॉक ते आके ते नाच गाना करे ते बेपरदगी फैलावे उहदे च वली पैदा ते नहीं ना हो सकता, उहदे च वली पैदा नहीं हो सकता। जो बीजना है निगाहत खत्म हो जाती यार जेड़े गोश्त उते हिरस की निगाह पवे उहदे चो लज्जत मुक जाती है, जेड़ी औरत उते हिरस की निगाह पवे उहदे चो नेक औलाद किवें पैदा हो सकती है?
हो सकता है किसी बेटी नो मेरा जुमला सख्त लगे तो आखे कि असी साहब इतना सख्त जुमला पर नहीं। हो सकता बेटी कहे कि क्या असी पर्दे च कैद हो जाइए। मर्दा नो कहो ना वो पर्दा कर लैन, असी क्यों करिए, मर्द कर लैन ना साढ़े कोल पर्दा। ते ए बेटी सिर्फ इस्लाम ने तेनू कदों आख्या कि तू अपने चेहरे ते पर्दा रख। इस्लाम ने मर्द नु भी आख्या तू भी निगाहां नीवियां रख। जो बेटी चेहरे ते पर्दा कर लवे, पुत्र निगाहां नीवियां कर ले, मैनूं सच्ची दस मुआशरा ठीक हुंदा कि नहीं हुंदा। जिथे तक परदे का ताल्लुक है इतने तेनों को कैद करने वास्ते परदा नहीं रखा। नहीं घर च बीबिया ने जेवर रखा होंगे तो उन्होंने ताला सेफे च लगा दिया ना। तो चाहिए तो ये ना कि कीमती चीज है तो बार बेशक वेड़े च रख दो जिहड़ा मर्जी लै जाए, पर नहीं जेवर ताले च रखा जाता है परदे च छुपा के। क्यों? कीमती है। पता लगे जिहड़ी चीज कीमती होवे ना उहनूं पर्दे च रखी दे। ते ए बेटी तू इस्लाम दा गहना है, तू जेवर है, तेनूं असीं सरेआम नहीं रख सकते। चोर डाकू ते उचके ते यही चाहते ने कि जेवर बाहर आ जाए तो असीं लुट के लै जाइए। बकरिया ने एहतजाज किया ना कि सानू आजादी दियो, असा पिंजरे च नहीं रहना, सानू आजादी दी जाए, असा डारे च नहीं रहना, सानू खोल दे, असी खुले आम फिरीए। ते भेड़िए भी नाल बकरियां दे रल के एहतजाज च आ गए। उन्हें आखिया हाँ जी बकरी नू आजादी दियो, जी बकरी नू आजादी दियो, असी भी बकरी दे नाल आ। पर वो जिहड़ा बकरियां दा मालिक ते आजड़ी सी ना, वह समझ गया कि आ जिहड़े भेड़िए आए ने यह असल च बकरी नू आजाद नहीं कराना चाहते। यह चाहते ने बकरी किसी तरीके आले चो बाहर आवे तो असी इहनू खा जाइए। आ जिहड़े भेड़िए बकरियां दे नाल रल के पे एहतजाज करदे सन ना, ये समझ लो ये औरत दी आजादी नहीं चाहते, ये औरत तक आजादी चाहते कि सानू किसी तरीके औरत तक पहुंचाया जाए। वो कहंदे ने आजादी दियो, आजादी किस चीज की आजादी, कैद कदों कीता है? जितनी आजादी औरत नू इस्लाम दे साहबे इस्लाम ने दिती है ना, किसी अकीदे ते मजहब ने नहीं दिती। जाओ नहीं तो उन्हें मुआशरे च जाके वेख लो जिन्ना आजादी के नाम उत्ते औरत नू इतना जलील कर दिता कि औरत खुदकुशियां ते मजबूर हो गई। औरत नू अपना किरदार ते अपना जिस्म ही अजीब लगता है, वह खुदकुशी कर लेंदियां ने। क्यों? आजादी के नाम उत्ते औरत नू लुट लिया गया। इस्लाम ने वेख तेनू कितनी आजादी दिती है, तेन चार बॉडी गार्ड मुफ्त, बाप शौहर भाई बेटा, चार बॉडी गार्ड अल्लाह ने औरत नु मुफ्त दिते। कदे गौर किया जे बाजार च जाओ, आडे बाजार च ते मां होवे, बहन होवे, बेटी होवे, बीबी होवे, चार ही किरदार ने ना औरत दे। ते हर किरदार च औरत पिछे चलती है, मर्द अगे चलता है। कदे गौर किया तुसीं? हमेशा भावे माँ होवे, बहन होवे, बेटी होवे, बीवी होवे, हमेशा वो पिछे चलती है, अगे चलता ही मरदे। भावे शौहर होवे, भावे बाप होवे, भावे भाई होवे, तो भावे बेटा होवे, पुत्र अगे चलता है, माँ पिछे चलती है। वजह की है भाई, हो सकता है बेटी नो ख्याल आवे मैं औरत हाँ, और मैं पिछे इस वास्ते चल रही हाँ कि मैं औरत हाँ, और मैं कमतर हाँ, तो मर्द इस वास्ते अगे चल रहा कोई बरतर है। नहीं नहीं बेटी, मसला ये नहीं, असले च वह जो तेरा पहरेदार है ना, वो तेरे अगे अगे टुर के जमाने को दसना चाहता कि आ जी मेरे पिछे खातूने खाना आ रही है ना, मैं यदा पहरेदार हाँ, जमाने की जी तत्ती हवा ये तक जानी है ना, वो ये तक बाद जाएगी, पहले मेरे चो गुजर के जा। वेख अल्लाह ने तेनू कैसे पहरेदार अता किए, अल्लाह ने बेस तेरी हयावां दी कैसी हिफाजत की। गिरामी कदर हजरात, बाज़ औरतां ते बच्चियां कहंदियां नहीं जी अख दा पर्दा होंदा है, अख च हया होवे ते बस काफी है पर्दा। पढ़ा कुरान अख दी हया उते, तुसीं नहीं बोले सुभान अल्लाह, जिहड़ा हयादार बैठा वह बोले सुभान अल्लाह। परदादार बीबी किसे हया वाले मर्द की निशानी होती है, सारे बोलो सुभान अल्लाह, सी सारे हयावा वाले बैठे ना। अल्लाह ने कुरान च फरमाया युहन नबी कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबी। अपनी बीवियां नू, वा बनाती का अपनी बेटियां नू,
अपने चेहरे ते थोड़ा जा पर्दा कर लिया करो ताकि किसी गैर दियां निगाहां तुहाडे चेहरे ते ना पै जान। अल्लाह किन्हां नूं फरमा रहा नबी दियां बीवियां ते नबी दियां बेटियां ते मोमिना दियां औरतां नूं मैनूं सच्ची दस जिन्हां नूं अल्लाह पर्दे दा हुक्म दे रहा उन्हां दी अखे च हया है सी कि नहीं ते जो उन्हां दी अखे च हया है सी अल्लाह ने फिर भी हुक्म दे दिता कि अपने चेहरे ते पर्दा करो। ते ऐ बेटी तू कोई उन्हां नालों बहुती हया वाली ते नहीं जिन्हां दे घरों हया दे सबक मिलते सन जिन्हां दे घरों हया निकली तुसां ते हया सिखी उन्हां दे ते खमीर च हया सी फिर उन्हां ने क्यों परदे कीते जदों परदे दा हुक्म आया कायनात दियां सारियां पकीज़ा औरतां ने कायनात दे सब तों पकीज़ा मर्दां कोलों ओए सहाबा नालों पकीज़ा कोई नहीं सी ते सहाबियात नालों पकीज़ा औरत कोई नहीं सी उन्हां पकीज़ा औरतां ने पकीज़ा मर्दां कोलों भी पर्दा कीता। फिर औरत किंज कह सकदी है कि सिर्फ अख दी हया होंदी है लिहाजा जदों अल्लाह फरमा दे कि चेहरे ते पर्दा करो फिर करो। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे पल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी सने पत्तियां सने पियां ओ जेड़े कम कमावन मावा सोयो कमाओ दिया दिया ए जेड़े कम कमावन मावा सोयो कमाओ दिया दिया नौजवानों सैयदा दी इबादत वेखो ते बेमिसाल हुसन वेखो ते बेमिसाल उन्हां दी इबादत वेखो बेमिसाल सखावत वेखो बेमिसाल तइयों माया शाह सिद्दीका ने अर्ज कीती कमली वाले आ फातिमा ते लगदी तुहाडे वर्गी ऐ उठदी ऐ तेंज लगदा अदा मुहम्मदी ऐ खांदी ऐ तेंज लगदा अदा मुहम्मदी ऐ बोलदी ऐ तेंज लगदा आवाज मुहम्मदी ऐ तुरदी ऐ तेंज लगदा चाल मुहम्मदी ऐ मेरे आका ने फरमाया आशा क्यों ना मेरे वर्गी लगे फातिमा टुकड़ा ही मोहम्मद दा अतवा रे ओ के गुफ्तारे ओ रफ्तारे ओ कुरना नबी वर्गा गुफ्तार नबी वर्गी रफ्तार नबी वर्गी किरदार नबी वर्गा मिसले पैगंबर हमा अतवारे ओ नुतके ओ गुफ्तारे ओ किरदारे ओ उंज ते नबी वर्गा दूजा कोई नहीं पर ओ नबी वर्गी होई सुभान अल्लाह सीरत पढ़ो नबी पाक दी सीरत पढ़ो ते हजूर अले सलात व सलाम दी सीरत दे विच इक अलग बाब लिखा जाता है जिन्हों कहते शमाइल शमाइल शरीफ यानी नबी पाक दा दसदे ने जुल्फां किवें दियां हजूर दी अख मुबारक किवें दी नक मुबारक किवें दा रुखसार मुबारक किवें दे हजूर दियां बाहां मुबारक हजूर दे होंठ करदन हजूर दे कंधे मुबारक किवें हजूर दा कद मुबारक कितना हजूर दे हाथ पाँव हर चीज़ नूं बयान किया जाता है किसी वली की सीरत किसी सहाबी की किसी की पढ़ो ना उहदे च लिखिया जाता है कि उन्हां दा कद मुबारक कितना सी चेहरा मुबारक ऐसा सी सीना मुबारक ऐसा सी जुल्फ ऐसी अख ऐसी मगर सारी कायनात दियां किताबां पढ़ के वेख लो सैयद अज़ारा दी सीरत दी किसे किताब विच नहीं लिखिया कि सैयद अज़ारा पाक दा कद मुबारक कितना सी ते जिस्म आप दा फरबा सी के पतला सी किसे किताब च नहीं लिखिया क्यों क्योंकि किसे वेख्या ही नहीं
किसी नु आवे नहीं पता कि कद मुबारक कितना लंबा है। नहीं लिखे वेखो दा पर्दा वेख किसे किताब विच आपदा सरापा मुबारक नहीं लिखिया गया पर्दा ही ऐसा किया सैयद कायनात ने। वाह सैयदा तेरे पर्दे तो सदके जावा अमाशा सिद्दीका फरमा दिया ने नबी पाक कितनी हया वाले सन कि इनी कमारी बच्ची च हया नहीं आती जिनी कमली वाले च हया सी। जिदा अबू एडी हया वाला होवे तो उते है ही अबू वर्गी सी उते है ही अबू वर्गी कायनात विच मेरे नबी दी हवरगी हया किसे दी नहीं ते मेरे नबी दे नाल ला के वेखो रब्बे काबा दी कसम मेरे नबी तो बाद सैयदा ज़हरा वर्गी हया भी किसे नहीं वेखी। तो ए ते होगी पर्दे दी गल। एक एक सखावत दी गल सुना देवा या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले ओ अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे करे हाथ चौके जेड़ा इस तो उच्चा बोले ओदे सारे रोजे मंजूर ते मकबूल हो जावन। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अगले रमजान शरीफ सारे रोजे मस्जिद नबी च इफ्तार करके आवे हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ विच वी ते बाद विच वी पांच वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे जेड़ा इस तो उच्चा बोले उन्नी देर नींद ही ना आवे जब तक मुहम्मद अरबी ते दुरूद ओ सलाम ना पढ़ लिया करे। एक दिन दरवाजा खड़का मेरे नबी दा पूछा कौन आख्या मंगता जा भुख लगी कुछ खामन दियो मेरे आका ने मौला अली नु फरमाया नु घर ले जाओ ते सैयद अजारा नु आख्या जे नु कुछ खिला देवे। मौला अली घर लेके आए ते सैयद आख्या जी आज ते तीन दिन होए घर च चूल्हा नहीं जलिया ते घर ते खान ले कुछ नहीं पर मंगता आया ना खाली नहीं जान देना। संदूक खोलिया विच इक नवी चादर निकाली ओ यमनी चादर जेड़ी कबली वाले ने जहेज च सैयद अजारा पाक नु दित्ती सी अजे तक एक वारी भी सिर ते लैके नहीं वेखी। ओ जहेज दा सामान ते धीआं नु बड़ा प्यारा हुंदा है उते अपनियां धीआं वास्ते जोड़ के रख लेंदियां कि मेरे बाबा ने मेरा जहेज बनाया पर सैयदा नवी चादर मौला अली ने देख के फरमाया ये चादर शमून यहूदी की दुकान ते लै जाओ ते उन्हों आख्या जे चादर रख लै ते थोड़े जौं दे दे मैं इन्हों रोटी पका के खिलावा। मौला अली गए शमून नू जाके आख्या चादर रख लै जौं दे दे शमून यहूदी मैना मार के कहन लगा अली एडा भी केड़ा वेला आ गया चादरां वेच के जौं खरीदन लग पे हो। फरमाया अपने वास्ते नहीं साढ़े बूए मंगता आ गया ना ते उन्हों खाली नहीं जान देना रोटी पका के खिलानी है। शमून यहूदी हैरत ना वेख्या आख्या चादर की दी आख्या सैयद अजारा पाक दी जहेज दी चादर है उन्हें नाले चादर दिती नाले जौं दिते ते नाले हाथ जोड़ के कहंदा अली जांदा जांदा मैनू मुहम्मद दा कलमा पढ़ाई जा। आपने फरमाया क्यों कहन लगा मैं किताबा च पढ़िया सी आखरी नबी दी निशानी होवेगी कि आप भुखे रह लैणगे पर मंगता खाली नहीं जान देणगे मंगता नाले रोटी खादा नाले जांदा है ते पढ़दा जांदा है बड़ा लजपार है तेरा कराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपार है तेरा कराना बड़ा रसूल अल्लाह हुन मेरा दिल करदा तुसी पढ़ो मैं सुना उच्ची आवाज ना पढ़ो पढ़ा भाई शर्मा होना उच्ची आवाज ना हाथ लहरा के सारे मिलके पढ़िए बड़ा लजपाल है तेरा कराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा कराना या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह
तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना यार सोलल्ला। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा एरी सालत, नारा एरी सालत, नारा हैदरी। नौजवान जब नबी पाक ने फिर दुनिया तो पर्दा किया ना ते पत्थर भी रो पे, किताब च पढ़िया जेडे सहाबा खड़े सन वह बैठ ना सके ते जेडे बैठे सन उठ ना सके। मैं किताबा च पढ़िया कि लोग हजूर के विसाल से इंज रोए सन कि इंज लगता सी जिवें आसमान जमीन ते गिर जाएगा, छतां उड़ जावणगियां। कई सहाबा नबी पाक के विसाल तो बाद अखां नबीना हो गई, कई सहाबा नूं कन्नां तो सुनिया ही ना जावे, कई सहाबा की हालत हो गई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा दिन मदीने के बाहर खड़े रहते हैं, शाम को घर आके रोंदे ने, घर वाले पुछते तैनूं कित्थे गुजारिया, तो रो के फरमाते ने मदीने के बाहर जाके वेखदा रहा होरे किसी राह चो मेरा माही वापस आ जाए। हजरत बिलाल हबशी की हालत हो गई, मदीने की गलियां चो रोंदे फिरदे निक्के निक्के बच्चों नूं फड़ के ना ते सीने ला के फरमाते ने बच्चे हो ये किसी नूं कमली वाले नजरी आए ना किधरे ते मैनू विखाया जे। सहाबा की हालत हो गई नबी पाक दे, वो ऊंटनी जिहदा नाम गदबा सी जिहदे ते हजूर सवारी फरमाते सन, तीन दिन नबी पाक की कबर को बैठ के रोंदी रही, ना खावे ते ना पीवे, तीन दिन हजूर नजरी ना आए, उन्हें मदीने के कुएं च छलांग मारी ते जान ही कुर्बान कर दी। हजूर दा गदा दराज गोश जिहदे ते हजूर सवारी फरमाते ने, याफूर जिहदा नाम मेरे नबी ने रखिया, वह तीन दिन मदीने की गलियां च हजूर नूं ढूंढता रहा, नबी पाक नजरी ना आए, उन्हें दीवारा नूं टकरा मार मार के जान कुर्बान कर दी। अडे वालियो मैनूं सच्ची दस्सियो, जमीलपुर वालियो, जो गुलामा ते जानवरां दा आ हाल होया नबी दी बेटी दा की हाल होया होवेगा। नबी पाक तो बाद सैयदा ज़हरा पाक सिर्फ 6 महीने जिंदा रही। याद रखियो जदों सैयदा ज़हरा पाक दुनिया तो गई उस वेले आप की उम्र मुबारक तकरीबन 24 या 25 साल सी, एन जवानी, बच्चे छोटे सन। आप दी जान दी होर कोई वजह नहीं, इको वजह कि हजूर का विछोड़ा ही बर्दाश्त नहीं होया। 6 महीने जिंदा रही, ना कुछ खादियां ते ना पीदियां, शदीद बीमार हो गई, दिन भी रोना ते रात भी रोना। अद्धी रात वेले नबी पाक की कबर ते आकर लेट जांदियां ते अर्ज करदियां, बाबा जे तुहाडे बाद जिंदगी लंबी हो गई ते मैं किवें जीवांगी। और था आके कहंदियां, सैयदा या सुबह रोया करो या रात रोया करो, तुहाडे रोवां नाल साडे कलेजे फट जाने। फरमादियां सन, रोगो मैं क्यों ना रोवां, मैनू गम लग गया, जिहड़ा गम दिन नूं लग जाए तो दिन भी रात बन जाए। औरतां कहंदियां, कदे आराम ते सबर करिया करो। फरमादियां, आराम कित्थों लैके आवां, जिन्हां नूं वेख के आराम मिलदा सी ओह महबूब भी टुर गए, ओह टुर गए ना जिन्हां नूं वेख के आराम मिलदा सी। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, लगियां वाले चुप नहीं करदे, दिला से आए तुर गए यार बिछोड़ा हो पाके, उन जाइए केड़े पासे ते रोगां विचों ए रोग जटाड़ा, जिसका नाम छोड़ा ए टुर जावन महबूब जिना दे, ए कौन रोवे मुड़ थोड़ा। सैयदा पाक ने दिन भी रोना रात भी रोना, तीन रमजान का दिहाड़ा आया, मौला अली फरमांदे ने मैं घरे आया वेखे आओ, अज सैयदा दारा पाक बेड़े दी सफाई पईयां आप कर दियां ने, अज 6 महीने बाद खाना भी आप पका रही ने, बच्चों गुसल भी दे रही, खाना भी खिला रही ने,
मौला अली फरमान लगे दारा अज मैं बड़ा रदी हूं तुम्हारी तबीयत संभल गई है। मौला अली नु कमरे चले गई फरमान लगी दरा बच्चा नो नाने दे रोदे ते बेजा जे तू जरूरी गल्लां करनियां ने। मौला अली ने फरमाया बच्चो जल्दी जाओ अपने नाने दे रोदे ते मां दी दुआ करके आओ। हसनैन रोंदे बाहर चले गए सैयदा दी तबीयत ने साथ ही मौला अली दी गोदी च सर रखे आओ। अर्ज कर दिया ने मौला अली अज अद्धी रात वेले मेरी अख लग गई मेरे बाबा मेरे ख्वाब च आ गए। मैं बाबा नू जफा मारे आओ अर्ज की बाबा दिया नाल इंज नहीं करी दो जिन्हें भी रोनी है रात भी रोने आओ अम्मी भी टुर गई हो वीर भी कोई नहीं तुसी भी नजरी नहीं आते बाबा दिल नहीं लग दो या ते जारा खुल आ जाओ या जारा नू ना ले जाओ। नबी करीम ने सीने ला के फरमाया बेटी रो ना जे दिल तेरा नहीं लगदा हो दिल मेरा भी नहीं लगदा हो तेरी तैयारी कर ले सारे नबियां नो ले के तेरी रूह दा इस्तकबाल करने आया हो आज जन्नत च रोदा कठिया इफ्तार करांगे। एम जवान सैयदा जारा ने हाथ जोड़ लाए अर्ज कर दिया मौला अली आज मेरी आखिरी रात है मैं अपने बाबा कुल टुर चली हूं। मौला अली रो के फरमाउन लगे दारा अजे ते नबी दा भी छोड़ा नहीं भुलिया अपने जान दिया गल्लां ना कर निके निके बच्चे ने हथ जोड़ के फरमा दिया की करा बाबा बगैर दिल ने लगदा। अर्ज कर दिया वेला थोड़ा रह गया है मौला अली मेरिया चार वसीयतां पूरियां कर दे आ जाए। नौ जवानो जड़ वेले पहली वसीयत दा वेला आया तभी दी शहजादी ने हथ जोड़ लाए कहन लगिया मौला अली जिंदगी कठिया गुजारी है अली तुहाडे बच्चों की मां कदे खिदमत च कोताही होई होवे मैनू माफ कर दे आ जाए। कदे आवाज दिती होवे मैं इबादत करदा सुनी ना होवे मैनू माफी दे आ जाए। हथ जोड़ के कहन लगी मैनू बीवी समझ के माफी ना दे आ जाए बेशक बच्चों की मां समझ के माफी ना दे आ जाए मैनू मुहम्मद दी समझ के माफी दे दे आ जाए। मौला अली हद खोल के फरमाया फरमाया जारा इंज दियां गल्लां ना कर मैं तेरे ते बड़ा ही राजी हूं। नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले अर्ज कर दिया दूसरी वसीयत है मैनू कदे किसे नहीं वेख्या मेरा जनाजा रात नू लेके जाया जे कोई मेरा जनाजा बिना वेखे कोई आखे ना मुहम्मद दी दा जनाजा पिया जांदा है मेरा जनाजा भी रात नू लेके जाया जे मैं परदे दी वार सावा मेरे परदे दा ख्याल रखे आज तीसरी वसीयत वे लाया आए ओ लोको कलेजा फट जांदा है। फरमान लगिया मौला अली मैं टुर चली हूं जिन्हां दियां मावां बचपन च छड़ जांदियां ने ओ दियां नुकरां च बह के रोंदियां ने ओ पुत्तर दीवारां नूं लग के रोंदे ने जदों मैं टुर जावां मेरा हसन रोवे ना मेरा हुसैन रोवे ना मेरी ज़ैनब रोवे ना मेरी कुलसुम दा ख्याल रखे आ जाए। पता नहीं तुसा मेरे दफन कफन च लगे जाना है पता नहीं कोई कल मेरे बच्चों नूं खाना खिलावे के ना खिलावे मैं जांदी वारी खाना खिला चली हूं बेड़ा साफ कर चली हूं करबला दी धूड़ बच्चों दे सिर च पैनी है जांदी वारी गुसल कला के जुल्फा सवार चलियां। मौला अली रो के फरमान लगे दारा ओ तेरी नहीं मेरी भी औलाद है कहन लगियां मेरे बच्चे रोए मेरी कब्र च रूह तड़प जाएगी। चौथी वसीयत दा वेला आया हथ जोड़ के कह लगियां अली जिंदगी कठिया गुजारी है तुहाडे बच्चों दी मावां जदों मैं टुर जावां मैनू भुल ना जाया जाए तेरी कबर ते आंदे जांदे रे आजे। मौला अली ने रो के फरमाया जरा जांदी वारी अली नूं भी माफी दे दे
तो नबी दी शहजादी मैं फकीर जे बंदा खिदमत नहीं कर सके आओ अपने पापा नु मेरिया शिकायत ना लवी तेरे आका नु मेरा सलाम कह दे मौला ली भी रो रे सैयदा भी रो रही हसनैन रोते आ गए कह लगी अम्मां अज जईनो तेरे पुत्र पे आंदे ने मौला ली ने फरमाया पुत्र रोंदे क्यों अर्द की बाबा साड़ी अम्मी टुर चली है असी नंघ दे रोदे ते जा रहे सा दो सोनिया शक्ल सदरी आईया उन्हें आख्या जल्दी जाओ मां टुर चली जाए असा पूछा तुसी कौन हो उन्हें फरमाया अल्लाह दे नबी इब्राहीम ते इस्माइल असी सारे नबी तुहाडी मां दी रूह नू लैणे पुत्र मां दे कदमां ते डिग पे रोई जा रहे सैयदा दारा ने पुत्रां नू सीने ला लिया अर्द की रब्बा तेनू मेरे पुत्रां दे अथरुआं दा वास्ता ही जारा दियां रोंदियां धीआं दा वास्ता ही मेरे मौला अली दे आंसुआं दा वास्ता ही जे मेरियां रातां कबूल ने मेरे बाबा दी उम्मत दे गुनाह माफ कर दे सैयदा दी रूह परवाज कर गई मियां जा फरमांदे ने ए मावां वाले मावां दे कुले इसे फरियाद ले जादे पर मोया मावां वाले रो रो आपे छुपे कर जादे बालो ईद आने वाली है ईद वाले दिन वेखे आज सारे लोगों ने नवे कपड़े पा के खुशियां मनांदे आए ओ जिन्हां दे मापे टुर गए ने उन्हें ईद पढ़ के घर नहीं जाना उन्हें ईद की नमाज पढ़ के कब्रस्तान वाल टुर पैना है सारी दुनिया ने ईद दियां खुशियां मनांदे आए ने किसे मां की कबर ते बह के रोंदे आए ने किसे बाप की कबर ते बैठ के रोंदे आए ने उन्होंने ईद भी ईद नहीं लगती जो मामे टुर जाते हैं सा फरमा देने ईद वाले दिन रोंद छे टुर गए देश पर आए ओए मुड़ मुड़ ईद ओन मुहम्मद अरे जान वाले नहीं आए इमाम रे ते ओए मापे मुके दे ते पीर मरन बेड़ा वेला पाप मरे मुहम्मद बख्शा मुख जादा जे मेला पाप मरे ए मुहम्मद बख्शा मुख जादा जे मेला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी मेरे उस्ताद मोहतरम मेरी जिंद मेरी जान हजरत अल्लामा इमरान आसी साहेब अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए अल्लाह ताला दी बारगाह च आखिर तो दुआ है जिन्ना दे मापे जिंदा ने जिन्हें मापे जिंदा ने अल्लाह उन्होंने सेहत आफियत वाली जिंदगी दे औलाद उत्ते साए सलामत रखे जिन्हें टुर गए सैयद हज़ारा पाक दा सदका नबी पाक दे बापिया दा सदका अल्लाह उन्होंने दर्जात दी बुलंदी फरमाए कब्रां नूं मुनव्वर फरमाए अलामा मुहम्मद शहज़ान आसी साहिब माशाल्लाह इत्थे तुहाडी मस्जिद विच मदरसे दा भी आगाज़ कर लिया कि अपने बच्चे नूं इत्थे दाखिल करो कुरान मजीद आलिम और हाफिज़ कुरान बनाओ और
निकाह रजिस्ट्रार भी माशाल्लाह हुन अरसे साहब ने निकाह दे रजिस्टर भी इन्हां कोल होया करेगा तो इन्हां नाल तावन फरमाओ अल्लाह ताला साडी हाजरी नु कबूल फरमाए जनाब दे नबी साहब दे वाले ग्रामी दे अल्लाह दरजात दी बुलंदी फरमाओ दी कब्र मुनव्वर करे आमीन व आखिर दवाइया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।